Hello, my dear students. Today we will learn how to write a message. Let's start. First of all, we will read introduction. During the past decade, the widespread use of cell phones has greatly reduced the relevance of written messages. पिछले दशक में जो सेल फोन्स का व्यापक स्तर पर यूज था उसने रिटर्न मैसेजेस की वैल्यू को थोड़ा कम कर दिया था, येट वी कांट अंडरमाइन इट्स यूटिलिटी, लेकिन फिर भी हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको इग्नोर नहीं कर सकते. वी सी दैट वी नीड टू सेंड रिटर्न मैसेजेस फ्रीक्वेंटली फॉर वेरियस पीपल इन आवर कॉन्टैक्ट. हम जो ये मैसेज है इससे बहुत सारे लोगों को एक साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न टू राइट शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज. इसलिए ये आवश्यक है कि हर किसी को मैसेज लिखना और समझना आना चाहिए. द पर्पज ऑफ राइटिंग अ मैसेज इज़ टू सेंड इंफॉर्मेशन और अ पीस ऑफ न्यूज़ टू समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट. जो मैसेज लिखने का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं उस मैसेज को थर्ड पर्सन तक कन्वे करने का होता है जो कि उस टाइम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है. क्वाइट ऑफन द क्वेश्चन ऑन मैसेज राइटिंग इज बेस्ड ऑन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन. ये मोस्टली दो पर्सन के बीच में जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, जो फ़ोन पर बातचीत होती है, उसके बिहाफ पर लिखा जाता है. It is expected that the important information contained in the conversation is conveyed to the third person. इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें थर्ड पर्सन तक मैसेज पहुंचाना है केवल उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं को ही उस मैसेज में लिखना चाहिए. However, there may be questions where student are supplied only some notes or hints and are asked to convert the सेम इन अ मैसेज फॉर समवन. आप जो मैसेज लिखते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और आपको जो मेन उसके अंदर हिंट्स दिए हैं होते हैं आपको सिर्फ वो ही मैसेज के अंदर कन्वर्ट करने होते हैं. यस, पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट डज नॉट रिक्वायर द सेंडर और द रिसीवर एड्रेस रिटर्न देयर इन. सबसे पहले जो इसके अंदर मेन बात होती है कि इसके अंदर सेंडर और रिसीवर एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. ओनली अ ब्रीफ सैल्यूटेशन शुड बी गिवन, एग्जाम्पल डियर मॉम. आपको एक छोटा सा अभिवादन वर्ड जरूर लिखना चाहिए, जैसे कि डियर. आप जिसको भी लिख रहे हैं वो पीछे आप उसका रिलेशन लिखिए. मेंशन द डेट एंड टाइम व्हेन द मैसेज वाज रिटन. आपको डेट एंड टाइम भी लिखना है जब आप मैसेज लिखते हैं वो डेट एंड टाइम. योर मैसेज शुड कंटेन ओनली द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. आपके मैसेज के अंदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो अदर इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि अनावश्यक होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए. पुट द सेंडर नेम सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द मैसेज. आपको जो सेंडर का नेम और सिग्नेचर है वो मैसेज के लास्ट में लिखना चाहिए और मैसेज को बॉक्स के अंदर डालना चाहिए. डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट. जैसे हम नोटिस के अंदर करते थे कि 50 वर्ड से ज़्यादा उसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है. द यूज़ ऑफ टेंस डिपेंड ऑन द आइडियाज सीम्स कंटेंट इन द मैसेज. जो आपको कन्वर्सेशन दी जाएगी उसमें जो टेंस यूज होगा उसी टेंस के बेस पर आप अपने ये मैसेज जो है वो लिख सकते हैं. चलिए एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू राइट मैसेज इन कैपिटल लेटर्स इन बॉक्स. देन राइट डेट टाइम एंड अ सैल्यूटेशन. नेक्स्ट यू हैव टू राइट बॉडी ऑफ द मैसेज एंड एट लास्ट नेम सिग्नेचर ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट. Let's see one sample message. Read the following conversation between Mr. Saudi, the sport teacher, and Eklavya, the captain of the school football team. जो Eklavya है वो school की football team का captain है और जो Mr. Saudi है वो हमारे sport teacher हैं. तो उन दोनों के बीच में conversation है. चलिए पढ़ते हैं. Mr. Saudi क्या कहते हैं Eklavya, where are the other player of the team? कि team के बाकी players कहाँ पर हैं? Eklavya, sir, they have gone to the canteen for refreshment. कि वो कुछ refreshment लेने canteen में गए हैं. Mr. Saudi, tell all of them to be present tomorrow as the school has a match with national school team.
उन्होंने एक मैसेज दिया है कि उन टीम के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को आपने ये मैसेज कन्वे करना है कि कल स्कूल में प्रेजेंट रहे, क्योंकि कल उनके स्कूल का एक मैच होने वाला है नेशनल स्कूल के साथ। एकलव्या, बट टाइम इज द मैच सर, एंड वेयर शुड बी असेंबल, कि मैच का टाइम जो है वो कब है और हमें कहाँ इकट्ठे होना है। मिस्टर सोदी, द मैच इज एट 11:30 AM एंड ऑल द प्लेयर्स शुड रीच द स्पोर्ट रूम बाय 10 AM। उन्होंने बताया कि जो मैच है वो 11:30 पे स्टार्ट होगा, लेकिन जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनको 10 बजे वहाँ पर पहुँचना है। एज आई हैव टू गिव यू सम इंस्ट्रक्शन। एकलव्या, ओके सर, आई विल कन्वे द मैसेज टू दैम। एकलव्या ने कहा, ठीक है सर, मैं ये मैसेज उन तक कन्वे कर देता हूँ। मिस्टर सौदी, थैंक यू। नेक्स्ट, एज एकलव्या हैज़ टू लीव इमिडिएटली फॉर अ डेंटल चेकअप, ही लीव अ मैसेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब देखिए, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, बट एकलव्या को इमिडिएटली डेंटल चेकअप के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने एक मैसेज को अपना ब्लैक बोर्ड जो था उसके ऊपर लिख दिया था। राइट दिस मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, पुट द मैसेज इन अ बॉक्स। उन्होंने कहा है कि ये जो मैसेज है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है और मैसेज को बॉक्स के अंदर डालना है। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स के अंदर मैसेज लिखना है सबसे पहले, फिर डेट लिखनी है जिस डेट पे और जिस टाइम पे आप ये मैसेज लिख रहे हैं। नेक्स्ट, सैल्यूटेशन आपने डियर टीम मेंबर, क्यों? क्योंकि वो टीम मेंबर के लिए ये लिख रहे हैं। यस, उन्होंने अब इसके अंदर क्या किया है, बॉडी ऑफ मैसेज के अंदर पढ़िए हम क्या करते हैं, क्योंकि उनको वो मैसेज कन्वे करना था, तो उन्होंने मैसेज किस तरह से कन्वे किया है। आवर स्पोर्ट टीचर मिस्टर सौदी वॉन्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फुटबॉल टीम टू असेंबल इन द स्पोर्ट रूम टुमारो एट 10 AM एज वी हैव अ मैच विद द नेशनल स्कूल टीम एट 11:30 AM। मिस्टर सौदी विल गिव सम नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, सो कम इन स्पोर्ट यूनिफॉर्म एंड ड्यूली प्रिपेयर। उन्होंने कहा है कि जो मिस्टर सौदी हैं हमारे स्पोर्ट टीचर, चाहते हैं कि जो उनकी फुटबॉल टीम है उनके सभी सदस्य कल स्पोर्ट रूम में 10 बजे इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि नेशनल स्कूल की टीम के साथ उनका 11:30 पे मैच स्टार्ट होने वाला है। मिस्टर सौदी जो हैं वो आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देंगे मैच के बारे में, सो वो चाहते हैं कि आप सभी स्पोर्ट यूनिफॉर्म के अंदर आएं और अपनी दोहरी तैयारी कर कर आएं। नेक्स्ट, आपने लिखना है नेम एंड द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज। जो पर्सन मैसेज लिख रहा है, तो मैसेज किसने लिखा था? एकलव्य ने, जो कि कैप्टन था। क्यों? क्योंकि उसको अर्जेंटली इमिडिएटली जाना पड़ गया था, तो इसलिए उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया था। अब आप ये देखिए कि इस मैसेज के अंदर जो ये 4 लाइन्स का मैसेज था, जो बॉडी ऑफ मैसेज था, इसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स लिखी है, ना कि उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुई थी वो। तो आपको ये अपने आप उसको सेट करके, जो भी आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको सिर्फ वो ही बॉडी ऑफ मैसेज के अंदर लिखनी है। आई होप स्टूडेंट, आपको जो मैसेज है वो मैसेज राइटिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। बाय बाय।